कांग्रेस आज से इंडिया इत्तेहाद की हलीफ जमातों से लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा करेगी। कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 9 रियासतों में ही इत्तेहादी पार्टियों से सीट शेयरिंग करेगी। सीट शेयरिंग आज से चर्चा इसमें की जाएगी। सीट शेयरिंग आखिर कैसे की जाए, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, कांग्रेस आज से इसको शुरू कर देगी और इत्तेहादी जमातों से बातचीत की जाएगी। सीट शेयरिंग पर इत्तेहादी पार्टियों से होगी चर्चा। 9 रियासतों में इत्तेहाद में चुनाव लड़ने की तैयारी है। 9 राज्यों में ही इत्तेहाद की पार्टियों से सीट शेयरिंग करेगी कांग्रेस। तो आज मंथन किया जाएगा और ये तय किया जाएगा फिर किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाती हैं। तो कांग्रेस आज से इंडिया इत्तेहाद की हलीफ जमातों से लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा करेगी। कांग्रेस पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो सिर्फ 9 रियासतों में ही इत्तेहादी पार्टियों से सीट शेयरिंग करेगी। सीट शेयरिंग आज से चर्चा इस पर की जाएगी और कांग्रेस आज से इस काम को शुरू कर देगी कि आखिर किस तरीके से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि कांग्रेस ये पहले ही तय कर चुकी है कि 9 रियासतों में ही सीट शेयरिंग होगी और सीट शेयरिंग पर होगी इत्तेहादी पार्टियों से चर्चा। और इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाती हैं, और सबसे अहम यहां पर यह हो जाता है कि जब सीट शेयरिंग होती है तो जो तमाम पार्टियां हैं क्या वो मुतमईन हैं उससे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं मुखालफत भी इसमें की जाती है, उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं और नहीं मिल पाती हैं, और इसको लेकर आपसी मतभेद भी देखने को मिलते हैं। तो आज जब मंथन इस दौरान होगा तो तमाम उन चीजों पर गौर किया जाएगा कि आखिर किस हिसाब से, किस लिहाज से और किन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं। तो सीट शेयरिंग को लेकर आज ये बड़ा फैसला होगा। 9 रियासतों में इत्तेहाद में चुनाव लड़ने की तैयारी है और इन राज्यों में ही इत्तेहाद की पार्टियों से सीट शेयरिंग करेगी कांग्रेस, और आज इस पर मंथन किया जाएगा और क्या कुछ उसमें होता है और जो पार्टियां हैं वो किस तरीके का रुख अपना रखती हैं, क्या वो उस बात से सेटिस्फाई रहती हैं कि कांग्रेस जितनी सीटें उनके लिए चुनती है, या फिर उनका इरादा कुछ और है, वो चाहती हैं कि उन्हें ज्यादा सीट्स दी जाए। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ी मुखालफत भी हो सकती है, लेकिन आपसी सूझबूझ के साथ, समझ के साथ अगर इसको किया जाए तो ये बेहतर हो सकता है और बिना किसी मतभेद के भी इसे किया जा सकता है। लेकिन तमाम बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना यहाँ जरूरी है। तो आज से इंडिया इत्तेहाद की हलीफ जमातों से लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी और किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाती हैं ये देखना यहाँ पर अहम होगा, क्योंकि लगातार जब कोई भी अलायंस होता है सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि आखिर सीटें कितनी मिलेंगी उसे चुनाव लड़ने के दौरान, इंतखाबात के दौरान उसे मौका मिलेगा कि वो अपने उम्मीदवारों को कितनी सीटों पर उतार सकता है। इसी पर ये मंथन होगा आज और कांग्रेस पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि 9 रियासतों में वो सीट शेयरिंग करेगी।